Students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 8.2 comparing quantities. Question number 6, 8th and 10th I got as doubts, so I explain these questions today. During a sale, a shop offered a discount of 10% on marked price of all the items. Means एक शॉपकीपर ने सभी आइटम्स पे जो जो उसने बेचनी है 10% डिस्काउंट देने का वादा किया है. व्हाट वुड बी द कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स. कस्टमर को जीन्स के लिए कितना पे करना है अगर उसकी मार्क प्राइस है 1450 एंड टू शर्ट मार्क्स प्राइस एट 850 ईच. एक शर्ट की मार्क प्राइस 850 है तो दो शर्ट्स उसने बेची हैं तो उनके ऊपर हमें टोटल कितना अमाउंट पे करेगा कस्टमर वो फाइंड करना है हमें. सबसे पहले वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 6 मार्क प्राइस ऑफ जीन्स इज इक्वल टू 1450 रुपीस. डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ इसी अमाउंट का मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 145. कैसे हुई है 1450 को 10% एडजस्ट कर देंगे तो वो वैल्यू अपने पास आ जाएगी. यस मार्क प्राइस ऑफ जीन्स की हमें 1450 डिस्काउंट दिया हुआ है 10% ऑफ 1450 का 10% डिस्काउंट दिया हुआ है 145 आया. कैसे आया 1450 का मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो 145 अमाउंट आ जाएगी. इस तरह से हमें फाइंड करना है तो अमाउंट पेड बाय कस्टमर फॉर जीन्स कैसे फाइंड करेंगे 1450 में से डिस्काउंट जो है वो माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1305 रुपीज़. अब लो मार्क प्राइस ऑफ वन शर्ट. वन शर्ट की मार्क प्राइस जो है रुपीज़ 850 तो टू शर्ट्स की क्या हो जाएगी मार्क प्राइस ऑफ यहाँ पहले एक का डिस्काउंट ले लो डिस्काउंट के अकॉर्डिंग अमाउंट पेड फॉर वन शर्ट उसके बाद टू शर्ट्स का फाइंड कर लेंगे वो इजी रहेगा आपके लिए. मार्क डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ 850 दैट इज 10/100 मल्टीप्लाई बाय 850 जीरोस कैंसिल तो आ गया रुपीस 85. अमाउंट पेड बाय कस्टमर फॉर अ शर्ट इज इक्वल टू 850 में से 85 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 14 माइनस 8 6 7. बट उसने बेची हैं दो शर्ट्स. अमाउंट पेड बाय कस्टमर फॉर टू शर्ट्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अब 765 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10 12 and 1 13 14 1 1 15. ये साथ में यूनिट्स ज़रूर लिखते जाना है हर एक में. तो अब टोटल अमाउंट पेड फॉर जीन्स एंड कितनी शर्ट्स हैं टू शर्ट्स तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1530 में हम ऐड कर देंगे जीन्स की 1305 दैट इज 3 5 3 8 2 रुपीज़ 2 8 3 5. नाउ चेक द आंसर. यस दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 8. The price of a TV is this one. Sales tax charged it on it. इसके ऊपर sales tax charge किया है कुछ. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. अगर उसने खरीदा है तो उसने कितनी amount pay करनी है. Sales tax जो होता है वो हम उसमें add करते हैं.
तो प्राइस ऑफ टीवी में सेल्स टैक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो ऐड कर देंगे। सिंपल था ये क्वेश्चन। तो वैसे प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू ₹13,000, सेल्स टैक्स 12% ऑफ 13,000, इसी अमाउंट का ही फाइंड करेंगे। 12/100 इंटू 13,000, 0, 12 3 13, 36, 1 3, 12 1 12 and 1, 12 and 3 15। तो अमाउंट पेड बाय विनोद इफ ही बाय टीवी, तो कितनी अमाउंट पे करेगा वो? 13,000 में 1560 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ₹14,560। चेक इट, इट्स आंसर। यस, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड वन मोर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन टुडे। क्वेश्चन नंबर 10th इज अरुण बॉट, सॉरी 10th, I purchased a hair dryer for ₹5,400 including a VAT. VAT इसमें already included है, मतलब कि इसकी price थोड़ी कम होएगी, उसमें VAT add करके ₹5,400 उसने pay किए हैं। Find the price before VAT was added. VAT add करने से पहले कितनी price उसने pay की है? तो जो प्राइस पहले की है वो हमें नहीं पता, तो एज्यूम कर लेंगे लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर एडिंग वैट इज इक्वल टू रुपीस एक्स। वैट कितना है अब? 8%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 8% ऑफ इसी अमाउंट का, एक्स का ही जो मतलब बिफोर एड वैट है, इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? 5400। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू 5400। प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू ₹5,400। तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस, इसको एज इट इज रहने दो, 8x/100 इज इक्वल टू 5400। दिस इज 100x+8x/100 इज इक्वल टू 5400। 108x/100 इक्वल टू 5400। इस साइड सिर्फ एक्स रखना है, ये टर्म उधर गई तो हो जाएगी मल्टीप्लाई, एंड 108 उधर गया तो हो जाएगा डिवाइड। 2 4 5 2 4 2 2 2 7 0, ये 27 पे जा सकता है। अगर आपको नहीं पता तो आप 3 पे कट करके पहले फिर उसके अकॉर्डिंग करो, मुझे पता है तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। 27 1 0 27 2 54 1 50, तो ये क्या हो जाएगी अमाउंट? 5,000। तो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर एडिंग वैट क्या अमाउंट होगी? ₹5,000। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड सम मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.3 आई गॉट एज डाउट्स, but I explain in my next video. Till then, thank you.